Hello guys, I welcome you all to my channel Escalate Academy, educating India in a lucid way. I myself Amit, and I think I have given enough of my introduction. So let's start the lecture now. From today onwards, we will solve SSC last year SSC Junior Engineer exam papers. Okay, we will try to solve 50 questions daily. So let's begin with the first question. Which of the following represents the nominal size of a modular brick? Now, what is the nominal size of a brick? It is 20 into 10 into 10. Okay. What? Centimeter. Okay. So, here it is given. It is in mm. So, answer will be what? 200 into 10 into 10 mm. But remember that if they asked the standard size, okay, if they asked about the standard size, then it will be what? 19 into 9 into 9 centimeter. Okay, whenever you see आप कभी भी standard शब्द देखें अपने question में, ठीक है, तो हमेशा ही 19 into 9 into 9 ही रहेगा answer, ठीक है, इतना याद रखना. Just remember this word standard and nominal, and जहां भी nominal size देखिएगा वहां पर size क्या हो जाएगा, 20 into 10 into 10. मैं लिख देता हूँ, this size is for nominal. Okay, so let's see the next question. Calculate the number of bricks required for 5 cubic meter wall. For 5 cubic meter wall, number of bricks required will be what? How much? As we know, for 1 meter cube, we need 500 bricks. Okay, for 1 meter cube, we need 500 bricks. So, for 5 cubic meter, we will need 500 into 5, that will be what? 2500 bricks will be required. So answer will be what? 4th is the right answer. Okay, so let's see the next question. Which of the following test is used for bitumen? Bitumen claim kaun sa test istemal karte hain? Slump test? Nahi. Abrasion? Nahi. Penetration? Yes, we do penetration test for bitumen. Okay, why? बिकॉज देखो, अब हम स्लम टेस्ट इसलिए करते हैं, दिस इज, अब हम पढ़ लेते हैं सारे टेस्ट के बारे में. स्लम टेस्ट इज डन फॉर वर्केबिलिटी. ओके, स्लम टेस्ट हम करते हैं वर्केबिलिटी के लिए. एवरेजन टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? ये हम करते हैं एग्रीगेट्स के लिए. ओके, एग्रीगेट्स के लिए हम एवरेजन टेस्ट करते हैं. पेनिट्रेशन टेस्ट हमने बता दिया किसके लिए, बिटुमेन के लिए करते हैं. एंड फाइनेस्ट टेस्ट इज डन फॉर सीमेंट. Okay, just remember this, it is very, very important. The next question. The compressive strength of a thermocol ranges from, इसको याद कर लेना, ये 11.7 से 14.4 तक होता है, ठीक है, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना. फिर है, the cement compound that reacts and sets immediately after addition of water. इमीडिएटली सेट कर जाता है आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, कौन सा कंपाउंड है? दिस इज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको याद रखना. तो अब इन कंपाउंड के बारे में तो देख लेते हैं थोड़ा सा. सी टू एस किस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, याद रखना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है. और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट स्ट्रेंथ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट स्ट्रेंथ, ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड टेट्रा कैल्शियम एंड एल्यूमिनेफेराइट इज यूज फॉर इट डज द फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट. देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द क्यूब विच इज यूज टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट. स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? नॉर्मली जो बच्चा पढ़ रहा होगा उसको पता होगा, इजी क्वेश्चन है, कितना? 150. ओके, देन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज. प्रोडक्शन ऑफ स्टोन क्या होता है? क्वारिंग कहलाता है, ठीक है, उत्खनन. फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमिबिलिटी मेथड इज यूज्ड. व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एयर परमिबिलिटी किसमें इस्तेमाल होता है? स्ट्रेंथ में? नहीं. स्लंप में? नहीं. फाइननेस में? यस, फाइननेस में हम स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हैं. कौन सा टेस्ट? एयर परमिबिलिटी टेस्ट, ठीक है. उसके बाद और हमें स्ट्रेंथ पता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन से. स्लम टेस्ट किसे निकालते हैं? वर्कबिलिटी के लिए होता है स्लम टेस्ट.
और फिर आता है फाइनेस्ट टेस्ट, इसलिए होता है एयर परमेबिलिटी के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर बर्नड क्ले परफोरेटेड ब्रेक शुड नॉट बी मोर देन, ये याद रखना, ये होता है 15%, ओके। एंड फॉर अगर फर्स्ट क्लास ब्रेक है, अगर फर्स्ट क्लास ब्रेक है तो उसके लिए कितना होता था, 20%, ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ 7 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। तो अब हम 7 डेज स्ट्रेंथ और 28 डेज स्ट्रेंथ कितनी होती देख लेते हैं। पहले हम डे वाइज एक चार्ट बना लेते हैं, वो चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लिखते हैं डेज, ठीक है, और फिर यहाँ हम लिखते हैं उसकी स्ट्रेंथ इन परसेंट। दिस इज द स्ट्रेंथ इन परसेंट ऑफ दैट, ठीक है। तो पहले क्या है, एक दिन में कितनी स्ट्रेंथ गेन करेगा, 16%, याद रखना। फिर तीसरे दिन में कितनी गेन करेगा, ऑलमोस्ट 40%, याद रखना। फिर सातवें दिन में कितना करेगा, इट इज 65%, एंड इन 14 डेज इट इज 90%, एंड इन 28 डेज इट इज ऑलमोस्ट 99% ऑफ द स्ट्रेंथ इज गेन। सो रिमेंबर दिस टेबल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो इफ वी टेक, दे हैव आस्क्ड, क्या पूछा है, 7 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो 7 डेज कितना हो गया, 0.65, एंड 28 डेज कितना हो गया, 0.99। सो आंसर विल बी व्हाट, 0.65%, ओके। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल द आइटम ऑफ मटीरियल्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। दिस इज द मटीरियल स्टेटमेंट, मटीरियल स्टेटमेंट से ही हमें पता चलता है टोटल क्वांटिटीज ऑफ ऑल आइटम्स, कितने मटीरियल्स के हमने, किन मटीरियल्स की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउटिंग ऑफ द रॉक्स, ग्राउटिंग ऑफ द क्रैक्स इज मेजर्ड बाय, ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स हम किस में मेजर करते हैं, ठीक है, इसमें याद रखना, ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स जब भी आएगा तो हम मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स इज मेजर्ड इन मीटर, बट अगर हमारा सिर्फ ग्राउटिंग पूछे, अगर हमारा सिर्फ ग्राउटिंग पूछता है तो देन ग्राउटिंग विल बी इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना। अगर ग्राउटिंग इन क्रैक पूछ लेता है, ठीक है, क्रैक्स में ग्राउटिंग पूछ लेता है तो आएगा आपका मीटर में, लेकिन ग्राउटिंग से पूछता है तो इट विल बी इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर में क्या मेजर नहीं किया जाता, ये देखना। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द नाउन, डैम प्रूफ पोस्ट करते हैं, यस मीटर स्क्वायर में करते हैं, शटरिंग भी किस में करते हैं, मीटर स्क्वायर में ही करते हैं, देन पॉइंटिंग भी हम मीटर स्क्वायर में ही करते हैं कि कितने मीटर स्क्वायर में कितने पॉइंट्स लगे हुए हैं। फिर आता है ड्रिप कोर्स, हम ड्रिप कोर्स को स्क्वायर मीटर में मेजर नहीं करते, सो आंसर इज ड्रिप कोर्स, ठीक है। ड्रिप कोर्स को किस में मेजर करते हैं, इसमें इट इज मेजर्ड इन मीटर, ओके। इट इज ऑलमोस्ट लेंथ, ड्रिप कोर्स इज वॉट, दीज आर द लेंथ ऑफ पाइप्स विच आर प्रोवाइडेड इन रेलिंग्स और इन एनी अदर पाइप इन एनी अदर सिस्टम, ओके। तो याद रखना, ड्रिप कोर्स इज मेजर्ड इन मीटर, एंड पॉइंटिंग इन मेजर इज ऑल्सो इन स्क्वायर मीटर, शटरिंग ऑल्सो स्क्वायर मीटर, एंड डैम प्रूफ कोर्स इज ऑल्सो इन स्क्वायर मीटर। सो करेक्ट आंसर इज वॉट, डी ड्रिप कोर्स, ठीक है। ये आंसर सही नहीं है तो इसको मत टिक कर देना, ठीक है, मैंने इसे समझाने के लिए लिखा था। देन द एक्सपेक्टेड आउट टर्न ऑफ सॉइंग ऑफ द सॉफ्ट वुड पर मैसन पर डे, प्रतिदिन राजमिस्त्री मजदूर प्रतिदिन नरम लकड़ी को काटने की अपेक्षा मात्रा वर्ग मीटर में क्या है, ये कितना होता है, याद रखना 5.5 होता है, रट लेना इसको, ठीक है। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लेड, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लेड ऑफ सैंडी सॉइल। अब ये एस्टिमेशन ऑफ लेड, लेड क्या होता है, लेड कभी पता है किसी को, लेड होता है, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ मटीरियल, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल
of material and the construction site and the construction site. ठीक है, क्या हो गया, समझ गए लेट क्या हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन जहां से हमें मटेरियल है, जहां पे हमें मटेरियल चाहिए, जहां मटेरियल अवेलेबल है उसकी और कंस्ट्रक्शन साइट के बीच की दूरी हमें लेट कहलाती है। अब देखते हैं कि क्या पूछा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछ रहा है फॉर द सैंडी ट्रैक्स। ठीक है, अगर मान लो जहां पे मटेरियल अवेलेबल है और कंस्ट्रक्शन साइट तक वहां पर सैंडी सॉइल बिछा हुआ है, ठीक है, जो रोड है वहां पर सैंडी सॉइल है, तो हम कितना परसेंट कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे ये पूछा हुआ है। ठीक, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना रहेगा, तो इसके लिए एक टेबल है दोस्तों फ्रेंड्स, याद रखना। पहला, अगर मेटल ट्रैक है तो मेटल ट्रैक के लिए हम इंक्रीज करेंगे कितना, 1.0। और अगर हमारा सैंडी ट्रैक है, ठीक है, जैसे कि इसने पूछा है सैंडी ट्रैक है, तो इसमें इंटू मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा 1.4। एंड अगर कार्ट्स है, कार्ट्स ट्रैक है, CARTZ, कार्ट से ट्रैक है, देन इट्स इट विल बी मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 1। कार्टेशियन मतलब दी अनड्यूलर, अगर कुछ रोड इस तरीके से हैं अनड्यूलर डिफॉर्मेशन जो होते हैं उनको उनको कार्ट से ट्रैक्स कहते हैं, तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 1.1। तो किस लिए पूछा है, सैंडी ट्रैक्स से पूछा है, तो करेक्ट आंसर विल बी 1.4, दैट इज 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं, वॉट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक। हमें पता है स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक का हाफ ब्रिक कितनी साइज की होती है, 20 mm की, तो 20 + ½, हाफ ऑफ ब्रिक हमने जोड़ दिया कितना हुआ 30, तो ये क्या आंसर आ गया 30। ओके, सो राइट आंसर इज वॉट 30। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ 4-story बिल्डिंग। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है ऑफ अ 4-story बिल्डिंग इफ द टोटल प्लिंथ एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर। प्लिंथ एरिया में दे रखा है 300 स्क्वायर मीटर पर फ्लोर एंड द फ्लोर हाइट इज 3 मीटर। द क्यूबिकल कंटेंट रेट, क्यूबिकल कंटेंट रेट हमको कितना दे रखा है, 2000 पर क्यूबिक मीटर। एंड कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट दे रखा है 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो हमें टोटल टोटल अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है बिल्डिंग का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 300 मीटर प्लिंथ एरिया कितना दिया हुआ है, 300 मीटर स्क्वायर हमारा प्लिंथ एरिया है। ठीक है, और फ्लोर की हाइट कितनी है, 3 मीटर, तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया, इससे कितना आया हमारा 900 वॉल्यूम आ गया। अब क्या दिया हुआ है, क्योंकि 4-story बिल्डिंग है, तो ये तो सिंगल स्टोरी के लिए, 4-story के लिए क्या होगा, 900 × 4 कितना आ गया, अबाउट 3600। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि क्यूबिकल कंटेंट की कॉस्ट कितनी दे रखी है, 2000 पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिकल कंटेंट की कॉस्ट 2000 दे रखी है, तो 3600 3600 व्हाट 2000 कर देंगे कितना आएगा, 72 72 00 1 2 3। ठीक है, कितना आ गया। अब क्या दे रखा है कि कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 10%। अब 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो इसमें से 10% निकालेंगे कितना आएगा, 10/100 ऑफ 72 00 000, यानी 5 × 0, तो ये घटा ये घटा। ठीक है, तो कितना आया, 72 00 000। ठीक है, अब जोड़ दें इसको, इसमें इसको मान लो ये फर्स्ट है और ये मान लो सेकंड है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 792 00 00। ठीक है, तो कितना आया, 792 00 00 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन होते हैं, देखो एस्टिमेशन के थोड़े से इजी रहते हैं, बस समझ में आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, कंफ्यूज हो गए तो एस्टिमेशन के क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एस्टिमेशन से रिलेटेड है, देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द क्वांटिटी क्यूबिक मीटर ऑफ अ ब्रिक वर्क फॉर अ रूम यूजिंग द सेंट्रल लाइन मेथड। हमें सेंट्रल लाइन मेथड बना करके क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ क्यूब ऑफ अ ब्रिक वर्क। ठीक है, इफ द इंटीरियर डायमेंशन ऑफ अ रूम इज 5 मीटर × 4 मीटर,
क्या दे रखा है कि मान लो ये हमारा कोई भी सिंपल लाइन मेथड इस्तेमाल करना है, तो ये हमारा कोई भी एक रूम है, ठीक है, और ये मान लो ये जो है इंटरनल साइज है, इंटरनल साइज कितना दे रखा है, 5 मीटर × 4 मीटर। अब सेंटर लाइन मेथड इस्तेमाल करना है हमको, और हाइट कितनी दे रखी है, हाइट रूम की हाइट दे रखी है 3.5 मीटर, ठीक है, 3.5 मीटर हाइट दे रखी है। एंड विड्थ ऑफ वॉल, वॉल की विड्थ कितनी दे रखी है, 0.3 मीटर। अब मीटर में ही काम करते हैं। एंड डायमेंड डोर का डायमेंशन कितना दे रखा है, डायमेंशन ऑफ डोर कितना दे रखा है, 2 मीटर × 1.2 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं, पहले ये सॉल्व करते हैं, सेंटर लाइन मेथड निकालना है हमें, तो हमने क्या किया, सेंटर लाइन से इस तरीके से बीचों बीच हमने दीवार सेंटर लाइन ले ली, ठीक है। अब वॉल की थिकनेस कितनी दे रखी है, 0.3 मीटर, ब्रैकेट ठीक है, कितना विड्थ ऑफ वॉल कितनी दे रखी है, 0.3 मीटर, तो यहां से लेकर ये विड्थ कितनी हुई, 0.3 मीटर हुई, ठीक है। तो यानी कि अब ये दूरी और ये दूरी, ये डिस्टेंस कितना हुआ हमारा, 5.3 मीटर, कैसे, क्योंकि ये 0.3, ठीक है, ये 0.3 पूरा है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 1.5, यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, 1.5, तो 1.5 यहाँ जोड़ोगे, 1.5 ये जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, 5.3। अब ऐसे ही हाल यहाँ से यहाँ का देख लेते हैं, यहाँ से कहाँ का, इसके सेंटर का कितना हो जाएगा, 4, ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 4.3, क्योंकि अब हमें पता है कि ये भी 0.5, ये भी 1.5 और ये भी 1.5, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमें ये पता चल गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल पेरीमीटर, अब हम देख लेते हैं कि इसको अगर हम इसका टोटल पेरीमीटर निकालें, ठीक है, तो यानी कि टोटल पेरीमीटर कितना आएगा हमारा, देखते हैं, ट्वाइस ऑफ 5.3 + 4.3, हमने टोटल पेरीमीटर जब निकाल लिया 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 9 2 × 9.6 = कितना, 19.2, टोटल पेरीमीटर आ गया 19.2 मीटर। अब क्या है इसमें, क्या है वॉल्यूम का, अब वॉल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमें क्या दिया है, विड्थ ऑफ वॉल दे रखी कितनी, 0.3 मीटर, एंड क्या दे रखा है हमें, रूम की हाइट कितनी दे रखी है, 3.5 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना रहेगा, 19.2, ठीक है, 19.2 हमारा टोटल पेरीमीटर इंटू 0.3 विड्थ की, विड्थ हो गई, और ये हो गया 3.5 हमारा हाइट हो गई, कितना वॉल्यूम चाहिए हमें, 20.16 मीटर क्यूब, ठीक है, 21.6 मीटर क्यूब वॉल्यूम चाहिए। अब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉल इतना है। अब हमें पता है कि यहाँ पे डोर भी है, क्या दिया, यहाँ पे डोर भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो डोर का साइज है उसको इस वॉल, जो डोर का साइज का, मान लो ये डोर हमारा लगा हुआ है, इस साइज में जितनी ब्रिक आएंगी उस ब्रिक को इससे घटा दें, ये तो हमने टोटल का ब्रिक निकाल लिया है, टोटल वॉल्यूम निकाल लिया है, अब जितना यहाँ पे डोर लगा हुआ है इतना इससे रिमूव कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्लियर है, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड कितनी, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक इन क्यूब मीटर कितना चाहिए, निकल जाएगा, तो निकाल देते हैं। सो डोर का ओपनिंग कितना है, वॉल्यूम देख लें कितना आएगा, 2 × 1.2 दे रखा है, बाय इंटू विड्थ कितनी हो गई वॉल की, 0.3, कितना आएगा ये, 0.72, कैलकुलेटर सॉल्व करना कितना है, 2.2 मीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, अब रिमेनिंग टोटल वॉल्यूम कितना होगा, रिमेनिंग कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ डोर, माइनस कर दिया कितना आएगा, 20 20.16 20.16 16 − 0.72 −0.72, सो इट विल बी व्हाट, आंसर विल बी 19.44, ओके, सो आंसर मैच कर रहा है, आंसर क्या है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओके फ्रेंड्स, सो ये क्वेश्चन हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
In a straight line method, the expression for depreciation of a machine having purchasing cost C and scrap value S, the useful life of machinery N is. N pucha hai, free se se formula hota hai, depreciation ka C minus S upon N. Theek hai, isko yaad rakhna, easy question hai. Phir hai, ab dekh kya hai, calculate the number of bags of cement required for 12 mm thick plastering of plastering. 12 mm thick plastering di hui hai aur wall kitna diya hai, 5 meter long hai, 3.5 meter height hai and wall ki thickness kitni 300 mm thick hai. Theek hai, if cement aur mortar, cement ka aur mortar ka ratio kitna de rakha hai, 1:3. Theek hai, to number of bags nikal le cement ke, pata chal jayega kaise niklega, dekhte hain. Pehle sabse hum nikalte hain volume of plastering mortar. ठीक है, तो पहले हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग मोर्टार कितना आएगा, देख ले हैं, 5 मीटर दिया हुआ है इनटू 3.5 मीटर हाइट है, लेकिन कितना एमएम, कितना एमएम का ठीक है, 12 एमएम का ठीक है. ठीक है, तो ये 3.5 है, 3.3 मत कर देना, इनटू 0.012 क्योंकि एमएम में दिया हुआ है. एंड ये तो हमारा हो गया एक वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग मोर्टार, ये तो एक साइड हो गया और दूसरी साइड भी करेंगे तो इनटू 2 कर दिया. ठीक है, तो कितना आया, ये वैल्यू हो गया कितना, 0.42. ठीक है, अब क्या होता है, हमें पता है वी एज वी नो दैट फॉर ड्राई कंडीशन, फॉर ड्राई कंडीशन वी इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मोर्टार बाय 25%. ठीक है, 25% मोर्टार में इंक्रीज कर देते हैं. सो नाउ दिस क्वांटिटी विल बी बिकम हाउ मच, 0.42 into 1.25, so how much it will become, 0.525 meter cube. okay, now the volume of dry condition हमने निकाले कितना है, 0.525 meter cube. now quantity of cement, अब quantity of cement कितना दे रखा है, ratio कितना दे कर दे रखा है cement mortar का, 1:3, तो cement की quantity हम निकाल दें. Quantity of cement कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, 1 upon 1 plus 3 that is 4 into 0.525. ठीक है, okay, so how much कितना आया, 0.13125 meter cube. okay, so this is the quantity of cement, हमने quantity of cement निकाल लिया. अब हमें ये पता है कि एक मीटर क्यूब में क्या होता है, 30 bags ऑफ सीमेंट्स लगते हैं, 30 bags ऑफ सीमेंट लगते हैं. ठीक है, 30 bags ऑफ सीमेंट आ गए, तो अब एक मीटर क्यूब में इतना, तो इतना मीटर क्यूब में कितने बैग सीमेंट लगेंगे, मल्टीप्लाई करते डायरेक्टली, सो 0.13125 into 30, सो हाउ मच इट विल कम, 3.9 bags. 3.9 bags कुछ होता नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 bags. राइट आंसर विल बी 4 नंबर ऑफ bags विल बी रिक्वायर्ड. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉपर्टी लाइन, प्रॉपर्टी लाइन हम इसे डिफाइन करते हैं, दिस इज डन बाय कैडेस्ट्रल सर्वे. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. The vernier that is calibrated in the direction opposite to the main scale is called as. Okay, the vernier, हमें पता है दो तरीके वर्नियर होते हैं. First is what? Direct vernier and second is retrograde vernier. Retrograde vernier. Okay, हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. Retrograde vernier, अगर vernier scale की reading retrograde की direct वर्निया की n है, then main scale reading will be how much? It will be n minus 1. Okay, remember this. And if the retrograde reading of vernier and if of the retrograde vernier scale reading is n, then for main scale the reading will be n plus 1. Okay, so remember this, the main vernier scale and main scale reading. And then in retrograde vernier,
readings are in opposite direction. Okay, readings are in opposite direction. So in the vernier that is calibrated in direction opposite to the main scale is known as retrograde vernier. Just remember this. Okay, then see the next question. Which of the following instrument is used for measuring of sighting objects in a plane table survey? For sighting objects we use Alidade. Okay, fair. Then for no error in the magnitude, for number of error in the magnitude, the difference degree in the magnitude of fore bearing and back bearing of any line is, this is what, about 180 degree. Okay, then what is the number of fore bearing and back bearing of an open traverse of n number of stations? Number of fore bearing and back bearing kitni hoti of an open traverse. So remember this, maan lo, then now see if this is the open traverse. Okay, this is the open traverse. So this is this can be seen from north. This is the foresight of this. This is the foresight of this line, and this is the foresight of this line, and this is the foresight of this line. Okay. Now, if we have how much then forebearing will be how much? 1, 2, 3, 4. Okay, but we have how much control points? 1, 2, 3, 4, 5. So, forebearing will be how much? N minus 1. Okay, so N minus 1 is a forebearing, and that is same will be the case of backbearing, as it will not have any forebearing. So, backbearing of this line will be this. Now, backbearing of this line will be how much? This. Backbearing of this line will be this. And backbearing of this line will be this. And there will be no bearing in this direction, so back bearing will also be how much? N minus 1. Okay, so answer is N minus 1. Then next question, the difference between the last RL reduced level and the first reduced level is equal to, okay, this is a formula, last RL minus first RL minus first RL. RL is what? Reduced level. Is equal to sum of backside minus sum of foresight is equal to sum of rise minus sum of fall. Okay. So what will be the answer? The answer will be difference between sum of backside and foresight. Sum of backside and foresight. So answer will be 3. Okay, so let's see the next question. The correction of refraction of it for a distance d between the staff and instrument is what? Correction of refraction. Correction of refraction kitna hota hai? Let's see. CR is barabar 0.0112 d square, and d will be in kilometer. Remember this, is very important. So it is directly proportional to d square. So it is proportional to square of d. So answer will be 3rd. Okay. Now next question is, calculate the horizontal distance of a point from the instrument if the staff intercept is 2.5. हमें staff intercept कितना दिया हुआ है? Has दिया हुआ है 2.5 meter, या कह सकते हैं how much? 250 centimeter. ठीक है. Then micrometer reading of a drum of a diaphragm is 3.2, and the micrometer screw has 100 threads in 1 centimeter. As there are 100 threads in 1 centimeter, so I will become how much? 3.2 upon 100. Okay, so I will be 3.2 upon 100. Then what is given? The focal length of the objective glass is 200 mm. So, F is given as 200 mm. Okay. And the distance of the instrument axis from the center of the object glass is 180 mm. That is, small d is given as 18 mm. 180 mm. 180 mm we can say, or it can say 18 centimeter. Okay, so let's see the next. This will be 250 will be in centimeter.
Calculate the horizontal distance of a point from an instrument. We have to calculate what? D, horizontal distance, D is F upon I into S plus what? F plus small d. So we substitute the values and we'll get the answer 20 upon 3.2 upon 100. Okay, into S is given as what? 250. S is 250 plus F. F is how much? 200 mm or 20 centimeter. So the small d is given as what? 18 centimeter. Okay, we are taking out a centimeter. So what will come? 1562.8 mm. Okay, clear. So just the right answer is what? 1562.8. Okay, this will be in meter. Sorry, this will be in meter because we have to find out in what meter. So answer will be 156.2 meter. Okay. So let's see the next question. What is the which of the following statement is correct for the length of the curve? Length of the curve. We know that length of the curve is equal to pi r into delta deflection upon 180. So it will be equal to what? Proportional to the deflection angle. As we know, LC is proportional to deflection angle. So option will be third will be the right answer. Let's see the next question. Which of the following represents the correct order of a setting of a plane table? In plane table, first is done centering, second is done leveling, and then is done orientation. So option 1 is the right answer. Then, what would be the void ratio of a soil mass if porosity is 0.35? It is given that what? Porosity is given, n is given as 0.35. And void ratio is given, we have to find out the void ratio. The relation between N and E is E is equal to N upon 1 minus N. So just solve it and you will directly get the answer. How it is 0.135 upon 1 minus 0.35. So it will be 0.35 upon 0.65. So it will what it will come 0.538. Approximately it is equal to 0.54. So answer will be what? 0.54. We see the answer, it is 0.54. Okay. Let's see the next question. The liquid limit and plastic limit of a soil is given as 35%. Liquid limit is given as how much? 35%, and plastic limit is given as how much? 22%. Okay, the plasticity index, IP will be what? WL minus WP. Very easy question. 45 minus 22, how much? It now was, not 45, it is 0.45 minus 0.22. It will be how much? It will be 0.23. 0.23 will be the right answer. So 0.23 is the right answer. Okay. Guys, as they case, these are the easy questions which they give, SSCJ gives. So just, but please, देखिए starting questions थोड़े difficult थे, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, तो questions थोड़े से easy होते जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे बहुत बार होता है कि starting में questions जो हैं थोड़े से difficult हों, और end में easy हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि starting में easy हो, और end में difficult हो, ये depend करता है paper to paper, ठीक है? So, but the thing is that you have to go through the complete paper. You have to go through complete paper. पूरा का पूरा paper आपको अपनी आँखों के सामने से गुजारना ही है किसी भी हाल में. जो आपको समय होता है 2 hours, उसमें आपको पूरे total 200 questions देखने ही देखने हैं. ठीक है? पता है बहुत कम समय होता है, लेकिन कुछ questions ऐसे होते हैं जो seconds में solve हो जाते हैं. ठीक है? तो उनके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, लेकिन हमें क्या करना है कि पूरा का पूरा पेपर एक बार अपनी आँखों के सामने से गुजारना ही है. ठीक है? इतना याद रखना. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिफाइंड डिटरमाइंड बाय ट्राई एक्सियल टेस्ट. ट्राई एक्सियल से हम क्या निकालते हैं?
शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर हम ट्रायक्सियल टेस्ट से निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे आता है, इफ द रेनॉल्ड नंबर ऑफ फॉर अ फ्लो इज 3000 देन द टाइप ऑफ फ्लो, हमें पता है रेनॉल्ड नंबर अगर हमारा 2000 से कम है तो क्या होगा, लैमिनार फ्लो होगा, और अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 4000 के बीच में है तो क्या होगा, देर विल बी अ ट्रांजिशनल फ्लो, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 4000 देन इट विल बी वॉट, टर्बुलेंट, देन इट विल बी अ टर्बुलेंट फ्लो। आफ्टर ऑल एक्चुअली दे हैव नॉट गिवन दैट द चैनल इज ओपन और क्लोज, बिकॉज क्लोज कुछ केस में हमारा चेंज थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जनरली हम दे हैव गिवन 3000 तो जनरली ओपन मान चलते हैं, एंड द कंडीशन विल बी द दिस टाइप, ओके, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000 लैमिनार, सो हेयर इट इज गिवन एज 3000, सो आंसर विल बी व्हाट, ट्रांजिशनल फ्लो, एंड द सेकेंड इज द राइट आंसर, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस, वी नो कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस, ठीक है, रिमेंबर दिस, सी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन के, ठीक है, तो सी डायरेक्ट प्रपोर्शनल टू वन अपॉन इनवर्सली, सॉरी नॉट डायरेक्टली, इट इज इनवर्सली प्रपोर्शनल, ओके, सो थर्ड विल बी द राइट आंसर, ओके। देन लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू आइसो, याद रखना, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू प्रेशर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन एंड यू मस्ट नो इट, सो दिस इज इक्वल टू प्रेशर, आंसर इज सेकेंड। What is the equivalent head centimeter of a kerosene of specific gravity 0.8 if the head of water is 500 centimeter? So solve करने के लिए we can apply directly formula S1H1 equal to S2H2. S1 is what given as 0.8 specific gravity of kerosene, and we have to find H1 height of kerosene and specific gravity of water usually taken as 1, and the head of water is taken as 500 centimeter, so H1 will be how much, 625 centimeter, okay, so answer will be 625 centimeter. Then which of the following is measured with the help of elpometer, we know that with the help of elpometer we measure the discharge, okay, so learn this if you don't know. What is the movement correction factor for laminar flow in a circular tube? It is what? It is 1.33. Remember it. Then, the wetted perimeter and cross-sectional area of a channel are 5 meter and 3 square meter. We know what is the hydraulic radius. R is equal to what? A by P. A is what? Area. So, area is given as what? 9 and perimeter is given as 5. So, answer will be how much? 1.8. So, answer will be 1.8. Then, the flow is classified as laminar flow when the calculated value of Reynolds number is, laminar flow kab hota tha? Humne dekha tha, when Reynolds number is less than 2000. Theek hai? So, less than 2000 hai, so answer will be first. And 2000 and 4000 beech mein kya hota tha? Transitional flow, ठीक है, greater than 5, between 4000 and 5000, इन दोनों बीच में क्या होगा, turbulent हो जाएगा flow, because both are greater than 4000, okay. फिर next question, for a laminar flow through a channel, Reynolds number is given as 1500, what is the friction factor? Reynolds number दे रखा है, they have asked friction factor, so we know the relationship, friction factor is equal to 64 upon RE, so it is 64 upon 1500, so the answer will be 0.043, okay, so answer will be 0.043. Then the next question, intensity of pressure at any point in a liquid at rest
is same at all direction. Suppose this is a glass and it is filled with liquid, and intensity of pressure over here will be same in all the direction. This statement was given by Pascal's law. उसे नहीं आता है वो याद कर ले, ठीक है. देन विद एन इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ इरीगेशन वाटर यील्ड ऑफ द क्रॉप, अगर हम इरीगेशन वाटर को इंक्रीज कराते हैं तो देन जो क्रॉप की यील्ड होगी क्या होगा, पहले तो सर्टेन लिमिट तक तो बढ़ेगी, इट विल इंक्रीज टू सर्टेन लिमिट, बट देन आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम, ज़्यादा पानी डाल दोगे तो क्रॉप सूखने लग जाएगा, तो यील्ड हमारी कम हो जाएगी. तो पहले क्या इंक्रीज करेगा, सेकेंडली डिक्रीज कर जाएगा एक पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट के बाद. देन व्हाट विल बी द आंसर, इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट एंड देन इट विल डिक्रीज. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एज पर IRC. वी नो दैट कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इज हाउ मच, 0.15, एंड कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज 0.35. सो द करेक्ट आंसर विल बी 0.15 एंड 0.35. ठीक है. देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक इफ स्लीपर डेंसिटी इज n+4 फॉर अ ब्रॉड केज एंड लेंथ ऑफ 1 रेल फॉर अ ब्रॉड केज इज 13 मीटर. क्या दे रखा है देखो, फर्स्टली सी वॉट इज स्लीपर. जैसे कि ये दो रेलवे ट्रैक हैं तो लकड़ी के जो बीच में जो दोनों को जोड़े रखते हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, दीज आर द स्लीपर्स. फर्स्टली यू शुड नो द स्लीपर्स. पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर्स हमें फाइंड आउट करने हैं फॉर 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक. नाउ गिवन इज किलोमीटर रेलवे ट्रैक इज गिवन इज ऑफ 1 किलोमीटर. रेलवे ट्रैक इज ऑफ 1 किलोमीटर एंड इफ स्लीपर डेंसिटी इज n+4. स्लीपर डेंसिटी दे रखी है n+4, ठीक है. n+4 फॉर ब्रॉड गेज ऑफ लेंथ ऑफ रेल फॉर अ ब्रॉड गेज ऑफ 13 मीटर, ठीक है. अब हमें पता है कि एक रेल की जो पटरी लाइन होती है दैट इज ऑफ 13 मीटर. सो इन 1 किलोमीटर रेंज हाउ मच ऑफ रेलवे लाइन विल बी देयर, रेलवे ट्रैक रेलवे एक रेलवे जो रेल होती है हाउ मच रेल विल बी देयर इन 1 किलोमीटर. सो इट विल बी अबाउट 1000, 1 किलोमीटर है अपॉन 13, ठीक है, नंबर ऑफ रेल्स. नाउ एक स्लीपर में स्लीपर डेंसिटी अभी हमें दी हुई है n+4, तो n+4 दिया हुआ है तो n इज वॉट द ब्रॉड गेज 13+4, ठीक है, ठीक है. तो हम निकाल लेंगे इसमें, इजी है, इट इज वॉट 13, आंसर 1307.69 विल बी द आंसर एंड इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1308. ओके, सो वी विल बी रिक्वायरिंग 1308 नंबर ऑफ स्लीपर्स, ठीक है, याद रखना इसे. देन व्हाट इज द सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर ऑफ अ सेटलिंग टैंक यूज्ड फॉर द डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ 1.5 मीटर क्यूब. सरफेस एरिया हम दे रखा है मीटर स्क्वायर ऑफ नहीं दे रखा है, हमने सरफेस एरिया पूछा है. व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक यूज्ड फॉर डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड. डिजाइन डिस्चार्ज दे रखा है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड ओवरफ्लो रेट जो हमें दे रखा है कितना दिया हुआ है, 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे. ओवरफ्लो रेट हमें दे रखा है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे में, सो वी हैव टू फर्स्टली कन्वर्ट इन टू मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो 40 अपॉन मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे, सो डे विल बी कन्वर्टेड इन टू सेकेंड, इट विल कम वॉट 60 × 60 × 24, सो इट विल बी गोन अबव. So the surface area will be what? Surface area is what? Q upon overflow rate. So Q is already given as 1.5 and overflow rate is given as 40, but it is in meter cube per second. So we will convert day into second. So it will be what? 60 × 60 × 24. Hence surface area
वेलकम, हाउ मच? 3240 मीटर स्क्वायर. ओके, सो आंसर विल बी व्हाट? मैचिंग आंसर विल बी 3240.4 मीटर एमएम मीटर स्क्वायर. ओके ओके गाइस, तो दिस इज द वाज द फर्स्ट 50 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन स्टडीड टुडे. Now next 50 question we will start the next day. And if you like our video, then please hit the like button and subscribe and share it with all your friends. Okay, bye bye.